आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह से सुपरलेटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख के आपको बताता हूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है कि टाइगर इज मोर पावरफुल देन एनी अदर एनिमल इन द जंगल। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि सेंटेंस किस तरह से कंपैरेटिव में है। तो यहां पे जहां पे मोर यूज होता है, आप इस तरह से आसानी से पता कर सकते हो, आपको एडजेक्टिव पे ध्यान देना है। कुछ एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करने के लिए मोर लगाते हैं, कुछ में हम ईआर लगाते हैं। ओके, और ये जो वर्ड है देन, ये सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि कोई सेंटेंस कंपैरेटिव में है। उसका सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन पहचान ये है कि उसमें देन यूज होता है। ओके, तो अभी मैं इस कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करके आपको बताता हूं। और क्या क्या चेंज, रूल बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस कितना भी लेंदी हो तो मैं आपको करके बताता हूं। इसका सुपरलेटिव आएगा टाइगर इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द जंगल। ओके, तो आपने देखा कि आसानी से हमने इस कंपैरेटिव वाले सेंटेंस को सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें ध्यान देना है हमने चेंजेस क्या क्या किए। तो आप अगर सबसे पहले देखोगे तो हमने मोर पावरफुल को हटा के यहां पे मोस्ट पावरफुल यूज किया, मतलब हमने कंपैरेटिव डिग्री को, कंपैरेटिव एडजेक्टिव को हमने सबसे पहले क्या किया है, सुपरलेटिव में चेंज कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो है उसको हमने क्या किया है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव में चेंज कर दिया है। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमने यहां से देन हटा दिया है। जब भी हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो देन हटा दिया है। उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो हमने यहां पे एनी अदर को हटाया है। ओके, एनी अदर को हटा दिया है, और साथ ही अगर यहां पे देखोगे तो हमने सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले, आपको पता है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द आता ही है, तो हमने यहां पे क्या किया है, द यूज कर लिया। अगर मान लो कि यहां पे कंपैरेटिव में एनी अदर की जगह पे मोस्ट अदर होता, अगर यहां पे एनी अदर की जगह पे मोस्ट अदर होता तो आप क्या करते। तो सेंटेंस इस तरह से होता हमारा कि टाइगर इज मोर पावरफुल देन मोस्ट अदर एनिमल्स इन द जंगल। मीनिंग भी चेंज हो जाता है। पिछले वाले का मीनिंग था कि टाइगर जो है वो बाकी किसी भी जानवर से ज्यादा पावरफुल है, और इसका मीनिंग होता है कि टाइगर जो है वो ज्यादातर जानवर से खतरनाक है। सबसे खतरनाक मीनिंग नहीं आएगा, ज्यादातर जानवर से खतरनाक। इसका मतलब यह है कि कुछ चार पांच ऐसे जानवर है जो बहुत पावरफुल है और उसमें टाइगर नहीं आता। तो आप समझ सकते हैं कि मोस्ट अदर और एनी अदर में क्या फर्क होता है। और अगर सेंटेंस में मोस्ट अदर है तो हमें क्या करना है, इस द के जगह पे हमें वन ऑफ द का यूज करना है। ओके, तो मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा। बस बेसिकली क्या होता है कि जब सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करते हो हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको बोला कि आपको एडजेक्टिव पे ध्यान देना है, एडजेक्टिव जो कि कंपैरेटिव फॉर्म में है यहां पे, उसको यहां पे सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और देन को हटाना है। ओके, और जो हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है उसके पहले द लगाना है, कंपलसरी है द लगाना। एक और चीज मैंने आपको बोला है कि एनी अदर आपको हटाना होगा। एनी अदर आप हटाते हो, कंपैरेटिव में से एनी अदर हटाते हो तो आपको क्या करना है, सुपरलेटिव में द लगाना है। और अगर यहां पे एनी अदर जगह पे मोस्ट अदर होगा तो उसको हटा के आप क्या यूज करते हैं, वन ऑफ द का यूज करते हैं। तो आई थिंक ये कह सकते हैं कि फटाफट सिखाने वाली टेक्निक है, लेकिन मैं आपको रूल्स भी लिख के बताऊंगा कि किस तरह आप रूल्स के थ्रू क्या कर सकते हो। रूल फॉलो करेंगे 100 हमारा 100% सही होगा। ओके, तो मैं आपको रूल्स भी लिख के बताता हूं। अब आप लोगों को एक बार फोकस करना है रूल्स पे, रूल्स टू कन्वर्ट अ कंपैरेटिव सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव। एक कंपैरेटिव सेंटेंस को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करने के जो रूल्स
फॉलो करने होते हैं, वो रूल्स मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं आपको देख करके बात करूं। सबसे पहले है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल नॉट इंटरचेंज इट्स प्लेस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अपने प्लेस को चेंज नहीं करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज नहीं होगा यहाँ पे। ओके, जैसे आपने देखा जब हमने पॉजिटिव को कंपैरेटिव किया, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव किया, वहां पे हमने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस को इंटरचेंज किया था। लेकिन जब हमने सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव किया या कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव कर रहे हैं तो हमने ये चीजें नहीं की है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड, कन्वर्ट द एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव डिग्री में का जो एडजेक्टिव होता है वो कंपैरेटिव फॉर्म में होता है। ओके, और यहां पे जब हम सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें एडजेक्टिव पे फोकस करना है। एडजेक्टिव को क्या करना है, हमें सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ओके, और तीसरा एग्जांपल देन को हटाना है। देन आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में ही सिर्फ यूज होता है, तो देन यहां पे आपको कंपलसरी हटाना है। और चौथा, अगर आप देखें तो जहां पे देन के बाद एनी अदर का पोजीशन आपको पता है सेंटेंस में देन के बाद आता है, देन एनी अदर, तो जहां पे एनी अदर दिया हो एनी अदर को हटा के सब सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले हमें क्या करना है, द का यूज करना है। ओके, यूज द इन प्लेस ऑफ एनी अदर। मैंने आपको बताया, अच्छा एनी अदर और द का पोजीशन अलग होता है, एनी अदर देन के बाद आता है, लेकिन द हमें कहां लगाना है, द हमें एडजेक्टिव से पहले लगाना है। ये आपको पता है, ये कॉमन चीज है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब भी हम लिखते हैं तो उसका वहां पे द का यूज करते हैं। ओके, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि वन ऑफ द का भी आप यूज करते हो, वन ऑफ द का भी यूज करते हो, लेकिन वन ऑफ द का आप यूज कहां पे करते हो, तो जहां पे सेंटेंस में मोस्ट अदर या मोस्ट ऑफ द हो। देन के बाद अगर सेंटेंस में मोस्ट अदर या मोस्ट ऑफ द है तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम वन ऑफ द का यूज करते हैं। ओके, तो अब मैं आपको एक वन ऑफ द का एग्जांपल देके बताता हूं। चलो बच्चों, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि अहमदाबाद इज मोर क्राउडेड देन मोस्ट अदर सिटीज ऑफ गुजरात। ओके, पिछला वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें अगर आपने देखा होगा तो एनी अदर था, यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है मोस्ट अदर का। ओके, तो ये आपका कंपैरेटिव सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर जो रूल दिया है उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले रूल है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल नॉट इंटरचेंज इट्स प्लेस, मतलब अहमदाबाद लास्ट में नहीं जाएगा, अदर सिटीज ऑफ गुजरात जो है वो पहले नहीं आने वाला है। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड रूल पे, एडजेक्टिव को चेंज करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अहमदाबाद जम है वही रख देते हैं, तो अहमदाबाद इज, मैंने आपको बताया था कि अगर, मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में इस वर्ड का यूज किया गया है, मोस्ट अदर का यूज किया गया है, तो आपको आंसर में वन ऑफ द का यूज करना है। ठीक है, यहां पे दिया है कि अगर क्वेश्चन में मोस्ट अदर या मोस्ट ऑफ द का यूज किया गया है तो आपको आंसर में वन ऑफ द का यूज करना है। ओके, तो वैसे यहां पे मोस्ट अदर दिया है, कंपैरेटिव के एग्जांपल में मोस्ट अदर दिया है, मैं यहां पे क्या यूज किया, वन ऑफ द का यूज किया। ओके, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड रूल पे, एडजेक्टिव को हमें क्या करना है, सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहां पे एडजेक्टिव हमारा ये है मोर क्राउडेड, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मोस्ट क्राउडेड, उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मोस्ट क्राउडेड। तो यहां पे मैंने एडजेक्टिव को भी सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब जो है लास्ट का जो सेंटेंस है वो सेम टू सेम लिख देते हैं। ओके, तो अहमदाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ गुजरात। ओके, तो एक बार रूल्स के हिसाब से बच्चों फिर से देख लेते हैं कि सेंटेंस मेरा सही है कि नहीं। मैंने आपको बताया है कि टीचर की जरूरत नहीं है आपको सेंटेंस को वेरीफाई करने के लिए, मेरा सेंटेंस जो मैंने बनाया है वो करेक्ट है कि नहीं, आप खुद रूल्स के थ्रू कर सकते हो जज। ओके, तो अगर आप यहां पे देखते हो सबसे पहला रूल मैंने फॉलो किया है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल नॉट इंटरचेंज इट्स प्लेस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपना जगह चेंज नहीं किया, अहमदाबाद जहां है ठीक है, कंपैरेटिव में अहमदाबाद जहां है वहीं पे, सुपरलेटिव में भी अहमदाबाद है,
सिटीज ऑफ गुजरात एंड सिटी ऑफ गुजरात जहां पे है वहीं पे है, मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ने अपना जगह इंटरचेंज नहीं किया है। दूसरा मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव विल बी कन्वर्टेड इन सुपरलेटिव फॉर्म, तो यहां पे हमने क्या किया है, मोर क्राउडेड को मोस्ट क्राउडेड कर लिया है, मोर क्राउडेड को हमने क्या किया है, मोस्ट क्राउडेड कर लिया है। और उसके बाद तीसरा है रिमूव दैन, दैन को हटा देना है जो कि कंपैरेटिव में यूज होता है, तो सुपरलेटिव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। और चौथा रूल सबसे लास्ट रूल मैंने बताया था कि अगर कंपैरेटिव में एनी अदर हो तो आपको द का यूज करना है, और मोस्ट अदर या मोस्ट ऑफ द हो तो हमें वन ऑफ द का यूज करना है। ओके मैंने ये भी बताया था कि मोस्ट अदर मोस्ट ऑफ द इन सब का पोजीशन जो होता है वो दैन के बाद होता है, लेकिन इसके जगह पर हम क्या कर रहे हैं, इसके जगह पे एक्जेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन जब हम इसको हटाते हैं, जैसे आपने मोस्ट अदर को हटाया तो आप अपने कंपैरेटिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द का यूज किया, ओके वन ऑफ द का यूज किया, ओके और अगर यहां पे एनी अदर होता तो आप अपने कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले द का यूज करते। तो सिंपली आपको रूल फॉलो करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है, पार्टनर बताया कि ग्रामर और मैथ्स भाई भाई होते हैं, रूल्स फॉलो करोगे आपका आंसर सही होगा, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं तो करके आता हूं फिर भी बार बार गलत हो जाता है। ओके तो आपको क्या करना है, रूल्स फॉलो करना है, जितनी अच्छी तरह से रूल्स फॉलो करोगे आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो आई थिंक आपको हमारा आज का वीडियो कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री ये पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस और देखने हैं, अगर ये आपको एजुकेशन में हेल्प करता है तो आप हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ नॉलेज बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।